जब भी आते हैं तभी दिया जलाते हैं, एंड आज तो तुमने पूरी दिवाली बना दी। ये यश का डायलॉग है, बहुत मजा आया। क्या बोलते हैं आप संजय दत्त अधीरा के रोल में कितने अच्छे लगे? एकदम माइंड ब्लोइंग, क्या उनका लुक था, वो पीछे का चोटला, जो बाल जो बड़े बोलते, वो उनका टैटू, इसका श्लोक, लोग श्लोक संस्कृत में पढ़ते हैं, ये इधर लिख के आ गए। वो KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 दोनों में आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी और क्या अच्छा लगा दोनों पार्ट में, मतलब कि जो मैं दोनों को कंपेयर कर जाऊँ, मेरे को दोनों अच्छा लगा है। खाली इतना फर्क है कि 2018 में आया था तभी वो एक बोतल लेके आया था, वो जब भी मारने के लिए जाता है वापस आता, अरे उसको मालूम ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। यानी ये 2022 जिसमें वो हथौड़ा लेके आ गया सबको बताने के लिए मैं भी हूँ। बहुत दिनों के बाद रवीना टंडन मूवी में दिखे, उनका काम कैसा? रवीना टंडन में बहुत कम, मतलब पहले जब भी वो मूवी चलती थी उस तक देखा था, उसके बाद में आज देखा हूँ, यानी उनका अभी तक भी बहुत मजा आया हमने। पब्लिक को मैं बोलना चाहूँ कि फुल इंटरटेनमेंट है, देखो जैसे SS राजामौली, वो भी मूवी ने इतिहास बनाते, ये भी प्रिया नेल भी वही है, ये दोनों डायरेक्टर वही है, ये दोनों मूवी नहीं बनाते, दोनों इतिहास बनाते हैं। मैं 5 में से 5 दूंगा। थैंक यू सर। KGF Chapter 2 आप ये बताओ कितने बार देखे हो? 5वीं टाइम। आज गैलेक्सी गैलेक्सी में आए देखने आप? राइट। तो सर आपको क्या अच्छा लगा इस मूवी में, जो कि आप 5 बार देख चुके हैं इस मूवी में? दिल ही नहीं भर रहा क्या आप बताओ, दिल ही नहीं, जहाँ भी देख रहा हूँ मुझे शोर, मतलब डायलॉग ही सुनाई नहीं दिए। अच्छा, मतलब आज भी इधर आए तो कुछ बहुत ही मिसिंग, मतलब कैसी लगी सर, पहला सवाल आपको कैसी लगी KGF Chapter 2? क्या बताओ, ये पिक्चर ही नहीं यार, मुझे लग रहा कोई हिस्ट्री बना दी जी। पिक्चर में पिक्चर देखा ही नहीं, ऐसा लग रहा कोई हिस्ट्री देख रहा हूँ ऐसा लग रहा था। रॉकिंग स्टार यस एंड रॉकी भाई, क्या बोलते हैं उनके बारे में, उनका लुक, उनका हेयर स्टाइल? रियल सुल्तान तो वही है जो बोलते हैं हर किसी को सुल्तान, रियल सुल्तान उनको बोला जाता है। अच्छा, और किसी को नहीं, रियल सुल्तान वही है, वही रियल सुल्तान बोले तो रॉकी भाई। सर इस मूवी में संजय दत्त अधीरा के रोल में कितने परफेक्ट दिखे आपको? अरे वो कांचा चीना से जरा कम दिखे, पर कांचा चीना का रोल बेटर था, पर इसमें अधीरा मतलब बहुत ही अच्छा लगा, पर ज्यादा रोल देने चाहिए था उनके अंदर, रोल बहुत कम मिला उनको रॉकी भाई के सामने, रोल कम मिला लेकिन जितना मिला उतना वो कितने दमदार था, बहुत दमदार था। KGF मूवी को उठाने के लिए बहुत दमदार था, मतलब KGF के लिए यश काफ़ी है, पर उनका जो विलन का काम है बहुत अच्छा था, काफ़ी लोगों के काम बहुत अच्छे थे, अधीरा का भी काम अच्छा था, यश जी का भी काम बहुत अच्छा था। सर इस मूवी में बहुत दिनों के बाद रवीना टंडन एक प्राइम मिनिस्टर की रोल निभा रही है, उनका काम कैसा, उन्होंने कैसा? अच्छा लग नहीं रहा था कि रवीना टंडन है वो, लग नहीं रहा था, सेकेंड में पता चला कि रवीना टंडन जी है, उनका भी काम बहुत अच्छा था, घुस के मारो जो डायलॉग है, डायलॉग का तो सुना ही नहीं दे रहे, जब 5वीं बार देखा 5वीं बार कुछ भी सुनाई नहीं दिया, 2-3 वीक के बाद आके देखना पड़ेगा अच्छे से कि डायलॉग क्या ही सुनाई देगा क्या नहीं। कोई ऐसा एक डायलॉग जो आपको याद हुआ? अभी क्या घड़ी में 60 सेकंड जब बसते, जब बड़ा काटा 60 बार घूमता है, पर छोटा काटा एक कदम भी घुमाना, क्या बोल रहे हो, क्या कहेंगे आप इस मूवी को लेकर? नहीं सब लोग देखो यार, बहुत इतनी अच्छी मूवी है, सपोर्ट करो। अभी क्या बाहर से लोग आके हमारे इधर राज कर रहे हो और क्या, रियल सुल्तान मेरे लिए तो यश जी आप और कोई नहीं। तो एंड में सर 5 आउट ऑफ 5। फाइव आउट फाइव। थैंक यू।